यूट्यूब चैनल स्टडी भारत में। तो जैसे कि हम ज्योग्राफी की सीरीज़ कर रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है, आज का हमारा टॉपिक होगा एयर ट्रांसपोर्ट। सो जैसे कि एयर ट्रांसपोर्ट ने आज बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस को बहुत कम छोटा सा डिस्टेंस बना के रख दिया है। अगर हम पहले की बात करें तो जो डिस्टेंस था, अगर देखा जाए तो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर्स को भी बहुत ही ज़्यादा समय में कवर किया जाता था। लेकिन अब जो हम टूडेज़ जो टेक्नोलॉजी है, आज हमारे पास जो हम इंडियन एरा में रह रहे हैं, तो इसमें जो हमारा एयर ट्रांसपोर्ट है उसने पूरे के पूरे वर्ल्ड को जस्ट कुछ ही घंटों में कवर करने की क्षमता पा ली है। सो टुडे टॉपिक इज़ दैट इज़ एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट एंड मॉडर्न मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट हैज़ लीड टू द श्रिंकिंग ऑफ द वर्ल्ड। एयर ट्रांसपोर्ट प्लेज अ वाइटल रोल इन टाइम्स ऑफ एमरजेंसीज एंड कैलामिटीज एज फ्लड्स, फिमाइंस, एपिडेमिक्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैन एंड मटीरियल। जैसे कि इसमें बताया गया है कि जो हवाई ट्रांसपोर्ट है वो सबसे तेज़ और मॉडर्न मीन है ट्रांसपोर्टेशन का, जिसके कारण वर्ल्ड बहुत ज़्यादा बड़ा वर्ल्ड नहीं रह गया, बिल्कुल छोटा सा वर्ल्ड हो गया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट वे है ट्रांसपोर्ट का और बड़े से बड़ा डिस्टेंस हम कुछ ही घंटों में तय कर सकते हैं। कभी कभी जब भी हमारे पास फ्लड्स आ जाती हैं, फेमाइंस आ जाते हैं, कहीं बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो जो हमारा एयर ट्रांसपोर्ट है वही बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया बिगिंस इन 1911 वेन एयर मेल ऑपरेशन कोमेंस बिटवीन नैनी एंड अलाहाबाद। सबसे पहले 1911 ईस्वी में स्टार्ट हुआ, जो कि नैनी एंड इलाहाबाद के बीच में था। इन 1953 एयर ट्रांसपोर्ट वॉज नेशनलाइज एंड टू कॉरपोरेशन वर फॉर्म्ड। 1953 में जो हमारा ट्रांसपोर्ट का ये सिस्टम है वो नेशनलाइज किया गया और दो कॉरपोरेशंस तैयार की गई, एयर इंडिया इंटरनेशनल एंड इंडियन एयरलाइंस। फर्दर द टू एयरलाइंस ऑफिशियली मर्ज इन ईच अदर ऑन 27 फरवरी 2011। तो 27 फरवरी 2011 को इन दोनों को मर्ज करके एक पर्टिकुलर यूनिट बना दिया गया। एज पार्ट ऑफ द मर्जर प्रोसेस अ न्यू कंपनी कॉल्ड द नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नाउ कॉल्ड एयर इंडिया लिमिटेड, वॉज एस्टेब्लिश। एयर इंडिया इंटरनेशनल एंड इंडियन एयरलाइंस को जब मिला दिया गया तो एक नए प्रोसेस और एक नई कंपनी का जन्म हुआ, दैट इज़ नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड वॉज एस्टेब्लिश, इन टू विच द बोथ एयर इंडिया अलॉन्ग विद द एयर इंडिया एक्सप्रेस एंड इंडियन एयरलाइंस अलॉन्ग विद द अलायंस एयर हैड मर्ज्ड। देयर आर द मैनी प्राइवेट प्लेयर्स आल्सो एज जेट एयरवेज, किंगफिशर, स्पाइस जेट, इंडिगो। ये इन सबको मिला के जो नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनी थी। अभी हम कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पढ़ेंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जहाँ की दूर दूर की जैसे अलग अलग देशों को फ्लाइट्स जाती हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर लोकेटेड एट मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, जयपुर, पणजी, अमृतसर, गुवाहाटी, कोची, हैदराबाद, अहमदाबाद, त्रिवंतपुरम एंड गोवा। सो सबसे पहले इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। इट इज़ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन साउथ एशिया, हैंडलिंग द मोस्ट ट्रैफिक मूवमेंट्स एंड द पैसेंजर्स ऑन द सब कॉन्टिनेंट। ये सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, जो दिल्ली में है। द एयरपोर्ट वॉज प्रीवियसली ऑपरेटेड बाई द इंडियन एयरफोर्स एंड वॉज अ पार्ट ऑफ द पालम एयरपोर्ट अंटिल इट्स मैनेजमेंट वॉज ट्रांसफर टू द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये पहले जो इंडियन एयरफोर्स के पास था, लेकिन बाद में ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बदल दिया गया। सेकंड, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, फॉर्मरली कॉल्ड सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड सेंता क्रूज डोमेस्टिक एयरपोर्ट। द टू एयरपोर्ट वर मर्ज्ड एंड रीनेम्ड एज छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
ये एयरपोर्ट पहले अलग अलग थे, एक इंटरनेशनल था और एक डोमेस्टिक, दैट इज सहार इंटरनेशनल था, एंड जो सांता क्रूज था वो डोमेस्टिक का, दोनों तो दोनों को मर्ज करके बड़ा बनाया गया एयरपोर्ट, दैट इज छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि मुंबई में है। इंडिया एंड साउथ एशिया लार्ज एयरपोर्ट, ये इंडिया और जो साउथ एशिया है उसका सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। कंट्रीज सेकेंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट, इट अलॉन्ग विद द डेलीज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैंडल्स मोर देन हाफ ऑफ द एयर ट्रैफिक इन साउथ एशिया। तो पूरी कंट्री का दूसरे नंबर पर जो आने वाला बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। थर्ड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता, इट इज़ लोकेटेड इन दमदम नियर कोलकाता वेस्ट बंगाल। द एयरपोर्ट वॉज ओरिजिनली नोन एज दमदम एयरपोर्ट, दमदम एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। द एयरपोर्ट इज़ लार्जेस्ट इन ईस्टर्न इंडिया। अगर हम ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट है। नाउ मीनाबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई, इट इज़ लोकेटेड इन तिरुसुलम 7 किलोमीटर साउथ ऑफ चेन्नई। दिस इज़ द थर्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। पहले पर दिल्ली हो गया, उसके बाद मुंबई, फिर थर्ड आफ्टर दिल्ली एंड मुंबई, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कार्गो हब इन द कंट्री आफ्टर मुंबई। ये कार्गो हब के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, सेकंड नंबर पर है मुंबई के बाद। कार्गो मतलब जिसमें हम वो सामान वगैरह भेजते हैं। फिफ्थ, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरु, द एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड 4 किलोमीटर साउथ ऑफ देवानहली इन बेंगलुरु, कवरिंग 4,000 एकर्स। इट रिप्लेसेस द ओल्ड हाल बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसी के साथ सिक्स नंबर पर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, अर्लियर इट वॉज नोन एज द बेगमपेट एयरपोर्ट। इट इज़ द सेकेंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वेंचर इन द इंडियन एयरपोर्ट्स, द फर्स्ट बींग एंड द कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा जो हमारा एयरपोर्ट है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वेंचर पर काम कर रहा है, दैट इज़ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद, इट इज़ इंडियाज़ 8th बिजिएस्ट एयरपोर्ट विद इन द एवरेज 150 एयरक्राफ्ट मूवमेंट अ डे। नेक्स्ट, नेदुम्बसी श्री एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोची, सॉरी, इट इज़ द फोर्थ बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द इंडिया इन टर्म्स ऑफ द इंटरनेशनल ट्रैफिक एंड इज़ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द केरला इन टर्म्स ऑफ द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रैफिक। द एयरपोर्ट इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया इनकॉर्पोरेटेड एज द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। यस, फर्स्ट पॉइंट में ये बता रहा है कि जी यू इट इज़ द फोर्थ बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रैफिक। अगर हम इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात करें तो ये चौथे नंबर पर आता है, लेकिन इट्स इज़ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन केरला। अगर हम केरला की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रैफिक के लिए। सेकंड, द एयरपोर्ट इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया इनकॉर्पोरेटेड एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये पहला एक ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट किया गया, बनाया गया है मतलब। नेक्स्ट, राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर, इट इज़ आल्सो नोन एज गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैंडल्स अबाउट 90 कमर्शियल फ्लाइट्स अ वीक बोथ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक। नेक्स्ट, त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इट इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन अ नॉन मेट्रो सिटी इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी सारी आज तक मेट्रो सिटीज़ में बनाए गए, लेकिन ये तिरुवनंतपुरम जो है इसमें नॉन मेट्रो सिटी में ये बनाया गया। इट इज़ कंसिडर्ड एज द ऑल वेदर एयरपोर्ट इन कंट्री एंड ISO 9001:2000 सर्टिफाइड। ऑल वेदर मतलब किसी भी वेदर में ये काम कर सकता है, ऑपरेट किया जा सकता है, और ISO स्टैंडर्डाइजेशन भी है 9001:2000 सर्टिफाइड है ये।
इट इज़ द 8th बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रैफिक एंड 10th बिजिएस्ट इन टर्म ऑफ द ओवरऑल पैसेंजर ट्रैफिक. नेक्स्ट दैट इज डेबोलिम एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा. इट इज़ द ओनली एयरपोर्ट इन द स्टेट एंड ऑपरेट्स एट सिविल एनक्लेव इन द मिलिट्री एयरबेस नेम्ड INS हंसा. ये जो हमारा एयरपोर्ट है जी ज़्यादातर जो मिलिट्री एयरबेस के लिए काम आता है. नेक्स्ट लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी नोन एज गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड फॉर्मली एज बुर्जहर एयरपोर्ट. इंटरनेशनल गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है लेकिन पहले से बुर्जहर एयरपोर्ट बोलते थे. द एयरपोर्ट इज मैनेज्ड बाय द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI एंड आल्सो सर्व्स एज इंडियन एयरफोर्स बेस. जो एयरपोर्ट है वो AAI द्वारा मैनेज किया जाता है और इंडियन एयरफोर्स बेस के तरह भी यूज़ किया जाता है. इट इज़ नेम्ड आफ्टर गोपीनाथ बारदोलाई हु वॉज द फ्रीडम फाइटर एंड आल्सो द फर्स्ट CM ऑफ असम आफ्टर इंडिपेंडेंस. जो इसका नाम है जैसे गोपीनाथ बारदोलोई है वो एक फ्रीडम फाइटर थे और साथ ही साथ में हमारे जो इंडिया है उसकी इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट CM थे असम के, उनके नाम पर ये रखा गया है इसका नाम. नेक्स्ट दैट इज एयर एम्बुलेंस. एन एयर एम्बुलेंस इज एन द एयरक्राफ्ट यूज फॉर एमरजेंसी मेडिकल असिस्टेंस इन द सिचुएशन वेयर ईदर और ट्रेडिशनल एम्बुलेंस कैन नॉट रीच द सीन ईजीली और क्विकली इनफ और द पेशेंट नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड ओवर अ डिस्टेंस ऑफ अ ट्रेन दैट मेक अ एयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल ट्रांसपोर्ट. दीज एंड रिलेटेड ऑपरेशंस आर रेफर टू द एरो मेडिकल. एक्चुअली एयर एम्बुलेंस उसके लिए यूज़ होती है जैसे सपोज करो कोई, जैसे हम सपोज करते हैं कि कोई एमरजेंसी पड़ गई है जहाँ पर जल्दी जाना बहुत मुश्किल है और कोई प्रॉब्लम है वहाँ पर नहीं पहुँचा जा सकता किसी व्हीकल के द्वारा, तो हम वहाँ पर एयरक्राफ्ट के द्वारा पहुँचते हैं, उसे बोलते हैं एयर एम्बुलेंस. और अगर किसी पेशेंट को बहुत दूरी पर शिफ्ट करना हो तो अगर हम व्हीकल से जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगता है, लगेगा, हो सकता है कि पेशेंट की डेथ भी हो जाए, लेकिन अगर हम एयरक्राफ्ट से जाएंगे तो बहुत जल्दी से वो जो डिस्टेंस कवर हो जाएगा. तो एयर एम्बुलेंस क्रूज आर सप्लाइड विद इन द इक्विपमेंट दैट अनेबल्स देम टू प्रोवाइड द मेडिकल इंस्ट्रूमेंट टू द क्रिटिकल इंजर्ड और इल पेशेंट. तो जो एयर एम्बुलेंस है, जैसे हमारी एम्बुलेंसेज होती हैं हॉस्पिटल्स में, उसमें सारी जो मेडिकल इक्विपमेंट्स की फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल होती है, इसी तरह जो एयर एम्बुलेंस है उसमें जो मेडिकल इक्विपमेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं सारे के सारे. कॉमन इक्विपमेंट फॉर द एयर एम्बुलेंस इंक्लूड्स वेंटिलेटर्स, मेडिकेशन, ECG, स्ट्रेचर्स. तो जो वेंटिलेटर्स हो गए, मेडिकेशंस हो गई हैं हो गए और ECGs एंड जो स्ट्रेचर्स वगैरह होते हैं वो एयर एम्बुलेंस में भी ऑलरेडी अवेलेबल है. द एयर क्रैश इन द फरीदाबाद ऑफ द एयर एम्बुलेंस हैज़ पॉइंटेड ऑन इट्स सेफ्टी प्रोविजन. गवर्नमेंट हैज़ सेट अप द एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कमिटी टू वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री. तो आपने ये ध्यान रखना है हमेशा कि जो एयर एम्बुलेंस है उसकी जो भी जो कारगुजारी है, उसका वर्क है, वो गवर्नमेंट ने एक सेटअप किया है, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी, उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करता है, ठीक है, जो कि फर्दर वर्क करता है किसके अंडर, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के, ठीक, क्लियर. इट वुड आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ द एक्सीडेंट इज एन इंडिपेंडेंट मैनर एंड असिस्ट अ फॉर्मल प्रोब पैनल लाइक अ कोर्ट. सो दीज थिंग्स आर नॉट सो यूजफुल. तो आपने ये याद रखना है एयर एम्बुलेंस क्या है, किस संस्था के अकॉर्डिंग वो काम करती है, और जैसे एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी है वो फर्दर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करती है, ठीक है. नेक्स्ट पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड. यस, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड दैट इज PHHL इज और एन ISO 9001:2000 सर्टिफाइड कंपनी
is one of the India's leading helicopter companies and known for its reliable helicopter operations. जो हमारा पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड है वो एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है, एक मतलब एक हेलीकॉप्टर कंपनी है जो कि बहुत रिलायबल है. द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1985 1985 ईस्वी में जो बनी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोवाइडिंग हेलीकॉप्टर सर्विसेज टू द पेट्रोलियम सेक्टर. बेसिकली पेट्रोलियम सेक्टर और लिंकिंग इन एसेसिबल एरियाज ऑफ द कंट्री एंड ऑपरेटिंग द कैरेक्टर ऑफ द प्रमोशन ऑफ टूरिज्म. जैसे सपोज कीजिए अगर कोई बंदा अमरनाथ जा रहा है लेकिन वो चढ़ाई नहीं चढ़ पा रहा तो वो हेलीकॉप्टर की मदद से जा रहा है. ऐसे वैष्णो देवी है और अदर टूरिज्म पॉइंट्स है जहाँ पर जाना बहुत मुश्किल है. तो सबसे पहले ये पेट्रोलियम सेक्टर में यूज़ किया गया, बाद में इन एसेसिबल एरियाज़ को असेस करने के लिए. पवन हंस इज़ द लीडर इन द प्रोवाइडिंग ऑफशोर हेलीकॉप्टर सपोर्ट इन इंडिया. इट्स हेलीकॉप्टर फ्लाई अंडर द वेराइटी ऑफ द कंडीशन ऑफ द कैरिंग आउट ONGC टास्क एट द बॉम्बे हाई ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन. द कंपनी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द नॉर्थ ईस्ट, हैविंग इट्स हेलीकॉप्टर डिप्लॉयड इन द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम एंड त्रिपुरा. तो ये कुछ फैक्चुअल नॉलेज दी हुई है. रेगुलर पैसेंजर सर्विसेज आर बींग रन अंडर द ऑफ दी स्टेट गवर्नमेंट्स. ये कुछ खास नहीं है. हेलीकॉप्टर हैज़ वन बीन प्रोवाइडेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, वेरी इंपॉर्टेंट. हेलीकॉप्टर हैज़ आल्सो बीन प्रोवाइडेड टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इन द नॉर्थ ईस्ट फॉर VIP ट्रांसपोर्टेशन. इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी मिनिस्ट्री को उन्होंने हेलीकॉप्टर्स दिए हुए हैं VIP ट्रांसपोर्टेशन के लिए, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. PHHL रन द हेलीकॉप्टर सर्विसेज फ्रॉम अगस्त मुनि एंड फाटा टू द होली श्राइन टू ऑफ केदारनाथ इन द मंथ्स ऑफ मे जून एंड सितंबर अक्टूबर एवी ईयर. तो अगर आप देखोगे तो जो केदारनाथ है वो इन एरियाज में और जो इन इस समय में बहुत ज़्यादा, जैसे कह सकते हैं वहाँ पर बर्फ़ जम जाती है, वो इनअसेसिबल एरिया हो जाता है. तो वहाँ पर जो हमारा पवन हंस है वो हेलीकॉप्टर से द्वारा जाना इजी हो जाता है. कंपनी हैज़ आल्सो डिप्लॉयड टू बेल 407 हेलीकॉप्टर फॉर द ऑपरेशन एट द कटरा फॉर माता वैष्णो देवी, जैसे मैंने पहले बताया. फ्रॉम अप्रैल 2008 ऑनवर्ड द कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड हेलीकॉप्टर टू अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड फॉर द इंटर आइलैंड हेलीकॉप्टर सर्विसेज. तो जैसे देख सकते हैं धीरे धीरे पहले उन्होंने सर्विसेज जैसे स्टार्ट की, फिर वो बाद में कटरे में चले गए, कटरा में स्टार्ट की, फिर बाद में अंडेमान एंड निकोबार में स्टार्ट की, ताकि इंटर जो हमारे आइलैंड की टूरिज्म है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, तो ये इट आल्सो मीट द रिक्वायरमेंट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, दैट इज़ VIP ट्रांसमिशन PSU सच एज द गेल फॉर द पाइपलाइन सर्विलियंस. ये पाइपलाइन सर्विलियंस के लिए भी कार्य करता है. पवन हंस इज द लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर कंपनी इन इंडिया एंड इट्स द ऑपरेटिंग एंड द मेंटेनेंस स्टैंडर्ड आर द हाई ऑर्डर विद इन हाउस वर्कशॉप एंड द मेंटेनेंस फैसिलिटीज. नेक्स्ट जल हंस, इट इज कॉमर्शियल सी प्लेन फैसिलिटी टू अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड. बेसिकली ये प्रॉपरली अंडेमान एंड निकोबार के लिए फैसिलिटी बनाई गई है. द लॉन्च ऑफ द सी प्लेन सर्विसेज इज अ स्टेप टूवर्ड द फास्ट प्रमोशन ऑफ द टूरिज्म सेक्टर इन द आइलैंड. ऑब्वियसली ये सी प्लेन है, ऑब्वियसली जो ज़रूरी नहीं इनको जो रनवे पर ही उतारा जाए, ये एक्चुअली वाटर पर भी उतर सकते हैं, इजीली उतर सकते हैं. बिसाइड डेवलपिंग टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर द प्लेन सर्विसेज विल आल्सो हेल्प इम्प्रूव द कनेक्टिविटी बिटवीन डिफरेंट आइलैंड ऑफ द यूनियन टेरिटरी. द सी प्लेन सर्विसेज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन पवन हंस हेलीकॉप्टर एंड अंडेमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन विल बी यूज टू कनेक्ट द पोर्ट ब्लेयर एंड द हैवलॉक आइलैंड एंड सब्सिक्वेंटली अदर आइलैंड इन द नॉर्थ एंड मिडल एंड अंडेमान. सो द सी प्लेन इज अ सेसना करावन 208 एम्फीबियन एंड हैज इन द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ द 9 पैसेंजर एंड कैन लोड ऑन द वाटर लैंड ऑन द वाटर. सो तो वही बात
जो एयरप्लेन है वो क्या जो और हेलीकॉप्टर है वो क्या कर रहे हैं, जिस जगह को हम इजीली असेस नहीं कर पा रहे और इनअसेसिबल है, वहाँ पर इजीली उसको हम असेस कर पा रहे हैं। नेक्स्ट दैट इज गगन प्रोजेक्ट एनहेंसिंग सेफ्टी। जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन गगन इज इन द ऑगमेंटेशन सिस्टम टू एनहेंस द एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ जीपीएस सिग्नल टू मीट द प्रसीजन अप्रोच रिक्वायरमेंट ऑफ द सिविल एविएशन एंड बीइंग इंप्लीमेंटेड जॉइंटली बाय एएआई एंड इसरो। तो इसमें यही बताया गया है कि जो हमारा गगन है दैट इज जीपीएस एडेड, दैट इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम मतलब जो नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं वो धरती के इर्द गिर्द घूमते हैं और पर्टिकुलर पोजिशन को गाइड करते हैं, देखते हैं। एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम गगन ऑगमेंटेशन सिस्टम टू इन्हेंस द एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ जीपीएस सिस्टम, है ना। तो जो हमारे जीपीएस सिग्नल है उसकी एक्यूरेसी के लिए ये वर्क करता है। बेसिकली जो दो बड़ी बॉडीज़ हैं एएआई एंड इसरो, इसको इम्प्लीमेंट करती हैं, मतलब इसके वर्क को इम्प्लीमेंट करती हैं। द गोल इज़ टू प्रोवाइड द नेविगेशन सिस्टम फॉर ऑल द फेजेस ऑफ द फ्लाइट ओवर द इंडियन एयर स्पेस एंड द एडजॉइनिंग एरिया। जितनी भी फ्लाइट्स होती हैं, जैसे एटीसी वर्क करता है ना, एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग सिस्टम, वो इसी के द्वारा वर्क करता है। जितनी भी फ्लाइट्स होती हैं उनके रास्ते और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो जाए उसके लिए क्लैरिटी और एक्यूरेसी रखना। इट इज़ एप्लीकेबल टू द सेफ्टी टू द लाइफ ऑपरेशंस एंड मीट द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट फॉर द इंटरनेशनल सिविल एविएशन रेगुलेटरी बॉडीज। GSAT-4 बीइंग फैब्रिकेटेड बाय इसरो विल कैरी गगन पेलोड। तो जो हमारा GSAT-4 है वो जो एक्चुअली जो बनाया गगन बनाया गया है इसरो के द्वारा, ये पेलोड ये उसको फैब्रिकेट करेगा। द फुटप्रिंट ऑफ दिस सैटेलाइट विल कवर अ वास्ट जियोग्राफिकल एरिया फ्रॉम अफ्रीका टू ऑस्ट्रेलिया। अगर हम इस सैटेलाइट की बात करें तो जो इसका एरिया है, जो इसका फुटप्रिंट्स है, वो अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ, देखो खुद देखो कितना बड़ा एरिया हो गया। एंड हैंस वुड फैसिलिटेट एक्सपेंशन ऑफ द सर्विस एरिया ऑफ गगन फार बियॉन्ड इंडियन एयर स्पेस। ठीक है, इंडियन एयर स्पेस से भी बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया बना देगा। व्हेन इम्प्लीमेंटेड दिस वुड रिप्लेस मोस्ट ऑफ द ग्राउंड बेस्ड नेविगेशनल एड्स एंड इट वुड पॉसिबली टू प्रोवाइड प्रिसीजन अप्रोच एंड लैंडिंग गाइडेंस अप टू द कैटेगरी 1 टू द एयरक्राफ्ट नॉट अवेलेबल ड्यू टू द टेरेन कंडीशंस प्रोविजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। यस, तो जैसे गगन है, जब गगन अपनी परफॉर्मेंस प्रॉपरली देगा तो जो हमारे लैंड बेस्ड सिस्टम्स हैं उनकी इतनी खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कहीं कहीं जब हमारे पास प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हो जाती थी, जो जो टेरेन्स एरिया थे वहाँ पर जो कंडीशंस नहीं वर्क कर पाती थी हमारे लैंड नेविगेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग, वो अब हम सर्विसेज गगन के द्वारा दे सकते हैं। तो फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन द गगन विल देन बी पोइज्ड टू सेव द ऑपरेटर्स टाइम एंड द मनी बाय द मैनेजिंग क्लाइम दैट्स डिसेंट एंड इंजन परफॉर्मेंस प्रोफाइल्स। उसके बाद थोड़ा बताया गया है कि जो फ्लाइट सिस्टम है गगन का, वो क्या करेगा, मैनेज करेगा मनी को भी और समय को भी, और बाद में जो उसके इंजन्स हैं उनके परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा प्रोफाइल्स उनके मीन्स बहुत ज़्यादा हाई है। द FMS विल इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी बाय इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ द ऑपरेटर प्रेफर्ड ट्राजेक्ट्रीज। एक्चुअली दीज आर द टेक्निकल टर्म्स, ट्राजेक्ट्रीज आर काइंड ऑफ वेज, जैसे जैसे वो वर्क करेगा विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। अगर हम मैथ में देखें तो, फिजिक्स और मैथ में देखें तो वहाँ पर ट्राजेक्ट्रीज बनती हैं। इट विल इम्प्रूव द एयरपोर्ट एंड एयर स्पेस असेस इन द ऑल वेदर कंडीशन एंड द एबिलिटी टू मीट द एनवायरमेंटल एंड द ऑब्स्टेकल्स क्लियरेंस एंड कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स होती हैं लिमिटेशंस। तो अगर हम गगन की बात करें तो गगन में FMS दैट इज़ फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम है, वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है क्या, ताकि वो हर एक चीज़ को पर्टिकुलरली एक्यूरेटली और प्रिसाइजली चेक कर पाए और वो ट्राजेक्ट्रीज को अच्छी तरह दिखा सके, ताकि किसी भी तरह के वेदर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आ सके। अगर प्रॉब्लम है भी तो उसको कैसे क्लियर किया जा सके। इट विल ऑल्सो इनहेंस द रिलायबिलिटी एंड रिड्यूस द डिलेज बाय द डिफाइनिंग द मोर प्रिसाइज टर्मिनल एरिया प्रोसीजर दैट फीचर द पैलर राउट्स एंड द एनवायरमेंटली ऑप्टिमाइज्ड
एयर स्पेस कॉरिडोर्स। तो जैसे फ्लाइट्स लगातार चढ़ती रहती हैं, चलती रहती हैं, कुछ प्लेन्स आ जाते हैं, कुछ चले जाते हैं, लेकिन समटाइम देर विल बी प्रॉब्लम ऑफ क्लैश, है ना। तो जो हमारा फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम है, इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देर विल बी अ नो सच लाइक प्रॉब्लम कि वहाँ क्लैश हो गया, जब सच लाइक तो जितने भी पहले राउट्स हैं वो इन्वायरमेंटली ऑप्टिमाइज़ किए जाएंगे ताकि फ्यूचर में कहीं ऐसी प्रॉब्लम ना हो। गगनविन विल इंक्रीज सेफ्टी बाई यूजिंग द थ्री डायमेंशनल अप्रोच। ऑपरेशन विल कोज कोर्स गाइडेंस इन टू रनवे विच विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ द कंट्रोल्ड फ्लाइट इन टू द टेरेन एंड द एक्सीडेंट वेयर बाय द एयर वर्दी एयरक्राफ्ट अंडर पायलट कंट्रोल इन एविडेंटली फ्लाइज इन टू द टेरेन एंड ऑब्स्टेकल ऑफ द वाटर। तो गगन का जो सिस्टम है वो थ्री डायमेंशनली वर्क करेगा। अगर किसी भी तरह का रिस्क और किसी तरह की ऑब्स्टेकल हो जाए तो उसको पहले ही जज कर लिया जाएगा, और अगर कोई इन बिटवीन प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको भी इजीली आराम से निकाला जा सकता है। गगन विल आल्सो ऑफर द हाई पोजीशन एक्यूरेसीज ओवर अ वाइड। ये हमने ऑलरेडी ही पढ़ लिया जो ऊपर सारा प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इज फेसिंग अ नंबर ऑफ द प्रॉब्लम्स। ऑब्वियसली आए दिन हम न्यूज़ वगैरह में ये चीज़ें सुनते रहते हैं। एयर इंडिया इज़ द फेसिंग स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम द प्राइवेट प्लेयर्स इन द टर्म ऑफ द फैसिलिटीज एंड द फेयर चार्जेस। जैसे कि अभी प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनके जो प्लेन्स हैं उनमें अच्छी सर्विसेज हैं, फेयर्स अच्छे हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि जो हमारा एयर इंडिया है उसकी कुछ ज़्यादा सर्विसेज अच्छी नहीं है। दैट्स वाई जो कॉम्पिटिटिवनेस और कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया है, जिसके कारण हमारी जो एयर इंडिया है वो डे बाई डे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है। सो दीज एयरलाइंस सफर फ्रॉम द मिसमैनेजमेंट ऑफ द फ्रीक्वेंट पायलट स्ट्राइक्स, पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस अकर्स, जिसके कारण अभी जैसे प्लेन्स हैं एयर इंडिया के वो प्रॉपरली नहीं चल पा रहे हैं, जिसके कारण जो हमारे पायलट्स हैं उनके वो लगातार स्ट्राइक कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी देखी गई है, जिसके कारण बहुत लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विल बी देयर। द प्राइमरी स्टेप वुड बी टू एनलार्ज एंड अपग्रेड द एयरपोर्ट एंड अलीड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी टू मीट द ग्रोइंग ट्रैफिक। अगर हम इस चीज़ को ख़त्म करना चाहें तो हमें जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको फैसिलिटेट करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए। फॉर दीज द प्राइवेट प्लेयर्स शुड बी वेलकम्ड इन द ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट ऑफ द हैदराबाद। ऑब्वियसली द रिसेंट फ्रॉड पायलट्स केसेस हैव मिनिमाइज्ड एंड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द एयरलाइंस। तो जो हमारे फ्रॉड पायलट्स के केसेस थे वो भी मिनिमाइज हुए हैं, ठीक है। गवर्नमेंट शुड टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द कल्प्रिट एंड द प्रॉपर रेगुलेशन शुड बी मेड टू कर्ब द प्रैक्टिस इन नेचर एंड द फ्यूचर, ताकि जो हम एक्चुअल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको एप्लीकेबल किया जाए, और जो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो, ये ना हो कि जस्ट। तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।